अनुलोम विलोम के माध्यम से विद्यार्थियों के मस्तिष्क को कैसे उर्वर बनाया जा सके, और ये विद्यार्थी आप राष्ट्र के भविष्य हैं, देश का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है। आप जैसे चरित्र रखेंगे, आपका जैसा व्यवहार होगा, वैसा ही हमारा देश का चरित्र और व्यवहार होगा। तो आइए हम अपने चरित्र को उन्नत बनाएं, देश को उन्नत बनाएं, और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आइए बायां हथेली को नीचे ही रखते हैं ध्यान मुद्रा में, दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं, और एक बार उंगली का नाम याद कर लेंगे। मैं आपको बुलवाता हूँ, अंगूठा पकड़ के बोलिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, याद हो गया? एक बार बोली, कौन ये क्या है? ये तर्जनी, ये ये ये, बहुत अच्छा, आपको याद हो गया। तो आप तर्जनी को मोड़ लेंगे ऐसे, और दाहिने हाथ का दाहिना अंगूठा, दाहिने हाथ उठाना है बेटा, दाहिना वाला जिससे भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखेंगे, और बायां नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे। जब सांस भर जाए तो अनामिका और मध्यमा अंगुली से बाएं नासिका को बंद कर देंगे, और दाहिना अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे 5 सेकंड तक, फिर दाहिने नाक से ही भर लेना है, फिर दाहिने नाक को अंगूठा से बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए, फिर बाएं नाक से भरिए, बाएं नाक को बंद करिए और दाहिने नाक से धीरे धीरे छोड़िए, फिर दाहिने नाक से भरिए, फिर दाहिना बंद करिए और बाएं से छोड़िए। आप ये अभ्यास अभी आंख बंद करके करिए, और हम लोग एक भजन या कोई वंदना के साथ अभ्यास करेंगे। बेटियां आ जाएं, और हारमोनियम के साथ माँ सरस्वती का या कोई अन्य हम भजन के साथ अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग ये अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए 5 मिनट तक लगातार।